Assalamualaikum and welcome back to my channel. और जी ये है किड्स का रूम और इसकी हम करेंगे आज अच्छी सी जो है वो क्लीनिंग. तो चलें आए आप भी मेरे साथ देखें कि मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको रूम की क्लीनिंग कैसी लगी. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा. और जो नए लोग आए हैं और वो मेरी वीडियो उनको अच्छी लगी है तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो जी पहले मैं इनके स्टडी टेबल से जो है वो सारी चीज़ें हटाऊंगी और उनको उनकी प्लेस पे रखूंगी. और इसी तरह बेड और बाकी जहाँ पे भी जो रूम में जो चीज़ें गलत जगह पे पड़ी हैं उन सबको उनकी प्लेस पे रखूंगी. उसके बाद जो है वो मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी. तो आए आप भी मेरे साथ क्लीनिंग को इन्जॉय करें. तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने बच्चों के जो है वो कलर बॉक्स को भी क्लीन किया. और आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने सारे कलर्स जो हैं किसी के ऊपर रबर चढ़ाई और किसी के ऊपर जो है वो बॉक्स के अंदर उनको डाल के रखा. तो इस तरह ये होता है कि जो बच्चों को जो सी चीज़ चाहिए होती है वो आराम से वो कलर निकाल कर यूज़ कर लेते हैं. तो जब बस कलर बॉक्स को मैंने रख लिया तो उसके बाद जो थे वो मैंने कहा बेडशीट चेंज करती हूँ. वैसे तो ये है कि बेडशीट जो है वो मेरे साथ इमरान चेंज करते हैं क्योंकि ये मैट्रेस जो है वो काफ़ी हैवी है. लेकिन आज हारिस ने कहा कि नहीं मम्मा मैं आपके साथ कर लूँगा, आ जाए मैं हेल्प कर लूँगा. मेरा व्लॉग देखते होंगे तो उन्होंने तो देखा होगा आयशा को बहुत दफ़ा मेरे साथ काम करते हुए, लेकिन आपने हारिस को कभी नहीं देखा होगा. तो आज आप हारिस को भी देख लें. आज जो है वो उसके ऊपर भी बड़ा जुनून चढ़ा हुआ था कि आज मैं क्लीनिंग करूँगा मम्मा. और जब वो खुद क्लीनिंग करता है फिर वो मुझे किसी चीज़ को भी हाथ लगाने नहीं देता है, लेकिन ये इस पर कभी कभी आता है जुनून. सामने सामने तो हम ब्रश लगा लेते हैं लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है वो ब्रश भी नहीं जा सकता और रोज़ उसकी क्लीनिंग करना भी मुश्किल होती है. जैसे कि बेड के जो साइड्स हो गए हैं, ये देखें टेबल की जो बिल्कुल साइड है यहाँ पे ब्रश नहीं जाता. तो वहाँ पे मैंने अच्छा सा जो है वो वैक्यूम जो है वो किया ताकि जो गंद है वो सारा जो है वो वैक्यूम खींच के निकाल देगा क्योंकि यहाँ हाथ भी नहीं इंसान का पहुँच सकता है. तो जी अब बारी आती है फर्नीचर को क्लीन करने की. तो अब जो है वो मैं अच्छा सा जो है वो तमाम चीज़ें और तमाम फर्नीचर जो है वो अच्छा सा क्लीन कर लूँगी. तो
जी बस यहाँ पर जब मैंने फर्नीचर अच्छा सा क्लीन कर लिया तो उसके बाद जो थी मैंने ब्रश लगाया और मॉप लगाया, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि हर दफ़ा मैं बनाती हूँ तो मैंने कहा आप लोग देख के बोर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग जो थी कम्प्लीट हो गई थी, तो अब आप बच्चों के रूम का फाइनल लुक देखिए।